लोग यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोगों से वार्तालाप करते हैं और आप लोगों का सहयोग हमको खूब मिल रहा है ताकि जो संदेश हम लोग अपनी पार्टी का देना चाहते हैं, अपनी सरकार का देना चाहते हैं, वो संदेश पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। आज की जो पीसी है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो आपके यहाँ के चर्चित सांसद हैं, पॉपुलर सांसद हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, उनके विषय हैं आज का कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार, जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 का, उसमें जम्मू कश्मीर का क्या रोल होगा, जम्मू कश्मीर कैसे उस सारे में क्या क्या करेगा, क्या क्या विजन है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर। डॉक्टर साहब हमेशा डेवलपमेंट के एजेंडे पर बात करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप इस मुद्दे पर डॉक्टर साहब की बात के बाद अपनी तरफ से कोई प्रश्न होंगे तो आप रख पाएंगे। आदरणीय श्री आरपी सिंह जी, फॉर योर वेरी काइंड इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए एक सबकी रुचि, सबके इंटरेस्ट का केंद्र भी है और इन 10 वर्षों में अनेकों परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। कुछ एक तो स्वाभाविक, जो समय की गति के साथ होना अपेक्षित रहते हैं, और कुछ एक मोदी जी के कार्यकाल के प्रारंभ होने के बाद जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा उसके चलते। और 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद अनेकों क्रांतिकारी निर्णय भी हुए राष्ट्रीय स्तर के, जिनका भिन्न भिन्न प्रदेशों और भिन्न भिन्न राज्यों में भी प्रभाव रहा। अनेकों गुजरे ज़माने की बंदिशों से मुक्ति भी प्राप्त की गई और इस सब को लेकर उसमें बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा होती रही, मीडिया के हलकों में भी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि आप देखें तो आतंक के दौर का लगभग खात्मा हुआ, पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, स्थानीय इकाइयों को 73 और 74 संशोधन का लाभ पहुंचा, और कहने की आवश्यकता नहीं अनुच्छेद 370 जाता रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश में एक योजनाबद्ध तरीके से विजन 2047 के सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत अपना शताब्दी उत्सव मनाएगा, तो उस समय उस भारत की, उस हिंदुस्तान की क्या तस्वीर रहेगी, उसकी किस प्रकार से रचना होगी, और जब वो विश्व शिखर पटल पर अपना स्थान ग्रहण करेगा तो उसका क्या आयाम रहेगा, क्या प्रभाव रहेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भौगोलिक स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी। और जैसे श्री आरपी सिंह जी ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर उस 2047 के शताब्दी भारत में वेयर वुड इट फिट इन दैट लार्जर पिक्चर ऑफ इंडिया 2047। वैसे तो इट्स नॉट इजी टू विजुअलाइज 2047 बिकॉज वी टेंड टू लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2024, और बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना कि उस समय किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां रहेंगी और किस प्रकार का दृश्य रहेगा, विशेषकर एक ऐसे दौर में वेयर वी आर लीडिंग अ लाइफ विच इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। इसको सबसे सरल तरीका समझने का कि यदि आप पिछले 20-25 वर्ष मुड़ करके देखें तो सन 1998 या 99 में क्या दृश्य था, वॉट वॉज न्यू देन एंड वॉट वॉज न्यू टूडे। उस समय VCR था, उस समय STD बूथ था, यदि आप बात करें अगली पीढ़ी के साथ तो शायद उनको समझ भी ना आए कि वो सब क्या था। सो वी हैव मूव्ड इन सच अ हाई पेस, लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत जिस प्रकार से दूसरे देश खड़े हैं उन्हीं के स्तर पर खड़ा है, हम किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है चाहे कोई भी क्षेत्र है। और उसका भी एक सबसे छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कोई भी उपलब्धि, कोई भी नया आयाम जो
यूरोप या अमेरिका के देशों में हासिल किया जाता है, वो भारतवर्ष में उसको पहुंचने में 10-15 बरस लग जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल है टेलीविज़न की। टेलीविज़न हैपन्ड इन यूएसए 1950s एंड दैट फेमस इलेक्शन ऑफ 1960 वेयर जॉन कैनेडी टर्न द टेबल्स ऑन रिचर्ड निक्सन हैपन्ड बिकॉज ऑफ अ टीवी डिबेट बिटवीन द टू कंटेंडर्स एंड बिकॉज ऑफ हिज ओरेटोरियल स्किल्स कैनेडी टुक अ मार्च ओवर हिम। अब हमारे यहाँ तो पता ही नहीं था कि टीवी होता क्या, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज चाहे वो स्पेस है, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हम एक ही स्तर पर खड़े हैं। अब इस परिस्थिति में जब हम 2047 की रचना करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक तौर पर मोदी जी भी इसमें रुचि ले रहे हैं, तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की क्या भूमिका रहेगी और उसका क्या स्थान रहेगा? क्योंकि अक्सर हम राजनीतिक बातें तो करते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के विषयों से हमारा या ध्यान छूट जाता है या प्राथमिकता में नहीं आते। और यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही इस चुनाव के बाद बीजेपी का लक्ष्य है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी, और जैसा हम कहते हैं कि डबल इंजन की व्यवस्था बने, तो किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि जम्मू कश्मीर उस बदलते हुए भारत में एक प्रमुख भूमिका निभा पाएगा, सकारात्मक भूमिका निभा पाए। मैं उसको मोटे तौर पर 3 स्तर पर देखता हूँ। वो उस स्थिति में जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और केंद्र से हमें मोदी जी का सहयोग भी हो और उनका मार्गदर्शन भी, और जो 3 पहलू, जो 3 स्तर जो जम्मू कश्मीर की विकास की धारा को दिशा देंगे, वो रहेंगे: 1, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, एंड आई जस्ट इन अ मिनट और टू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इट मेंट बाय दिस। 2, गवर्नेंस थ्रू सेल्फ गवर्नेंस, एंड 3, डेवलपमेंट बाय एक्सप्लोरिंग द अनडेवलप्ड सेक्टर्स। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्यों आता है ऐसा, क्योंकि अक्सर ये बातें राजनीतिक प्रेस वार्ताओं में नहीं आती, लेकिन ये विषय बड़े मौलिक विषय हैं। जब मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेटाइजेशन थ्रू ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, तो उसका अर्थ ये है कि यहाँ पर भले ही उदाहरण के तौर पर पंचायतों का गठन हो गया था, लेकिन पंचायतों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जिससे कि वो अपनी लोकतांत्रिक दायित्व को पूरी तरह निभा पाएँ, और वो मोदी जी के आने के बाद संभव हुआ जब 73 और 74 अमेंडमेंट लागू हुआ, जो केंद्र से आने वाली राशि थी सीधी सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचने लगी। पहले वो कुछ एक लोगों के हाथ में रहती थी। इसी प्रकार लगभग 25-30 वर्ष, जो पुराने हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने वो दृश्य देखा कि 8-10% को लेकर के चुनाव होता था, उसी में सांसद बन जाते थे, उसी में विधायक, उसी से सरकारें बन जाती थी। मैंने तो एक बार संसद में ये भी कहा था कि काश कोई ऐसा नियम आए कि वी कैन डिटरमिन मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ द वोटर टर्नआउट बिफोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिकग्नाइज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जहाँ 15-18-20 लाख वोटर हो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ अगर 8% या 10% मतदान होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता। वो आने वाले समय में जिस तरह से अब फिजा बदली है, आपने देखा कि लोकसभा में भी 60% के लगभग औसतन हुआ, बल्कि 5वें फेज में तो लगभग उतना ही था जितना के पूरे देश की औसतन एवरेज थी। तो ये जब आगे बढ़ेगा कि खुली फिजा में जब लोकतंत्र का पालन होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली का, तो दिस वुड एक्चुअली डेमोक्रेटाइज द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस व्हिच हैड हैपन्ड बट हैड नॉट एक्चुअली हैपन्ड। तो जो नाम जमहूरियत जिसको हम समझ बैठे थे और बाकी देश में जिस प्रकार से उसका पालन हो रहा था, ये होगा, और इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा की यात्रा का हिस्सा बनेगा। दूसरा, जो गवर्नेंस थ्रू सेल्फ गवर्नेंस का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हम पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके हैं, हुआ ये था कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सुशासन के प्रमुख पहलू क्या रहते हैं: 1, पारदर्शिता; 2, जवाबदेही; 3, सीमाबद्ध तरीके से काम करना; और 4, शिकायतों का निवारण। हमारे यहाँ वेबसाइट क्रिएट कर दिया गया था 2014 में, लेकिन उसको कोई ऑफिसर विजिट नहीं करता था। पिछले कुछ एक वर्षों में हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, सीपी ग्राम ग्रीवेंस सेल बनाया है केंद्र में, इत्तेफाक से वो मेरे ही विभाग से संबंधित है, उसको हमने जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा है।
और हर प्रकार की ग्रीवेंस का निवारण 98-95% प्रति सप्ताह हो जाता है। इसी तरह जैसे आपने देखा पल्ली पंचायत में हमने ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो देखने लायक है, अक्सर पत्रकार मित्रों को चूंकि दूसरे कामों में उलझना पड़ता है तो उस तरफ जाने का समय नहीं लगता, तो उसको पूरी तरह हमने सोलर पे तो कन्वर्ट किया ही किया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसान, कोई भी किसी ज़मीन का मालिक स्वयं ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने फार्म की, अपने खेत की, अपनी ज़मीन की निशानदेही कर सकता है। ना किसी पटवारी की आवश्यकता है, ना किसी रेवेन्यू ऑफिसर की। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी द कोर ऑफ द गुड गवर्नेंस इन द ईयर्स टू कम, एंड जम्मू कश्मीर इज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड ऑन दैट पाथ अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, विच वॉज नॉट हैपनिंग अर्लियर। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए, उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था सन 2016 में। पहली जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है, जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहाँ पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वॉज सोन इन मई 2014 विद इन 3 मंथ्स हिस्टोरिक एंड रेवोल्यूशनरी डिसीजन वॉज टेकन टू डू अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले आपको अपने दस्तावेज अटेस्टेशन के लिए गेजेटेड अफसर के पास जाना पड़ता था, अब उसके बजाय यू कैन डू गो इन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। और ये मात्र केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं थी, दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू एक्चुअली ब्रिंग इन लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दिस सिंगल डिसीजन सेंट आउट अ ह्यूज मैसेज कि देखिए अब एक ऐसी सरकार है जिसमें क्षमता है कि वो अपने देश के नागरिक, अपने देश के युवा पर भरोसा कर सके, दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रस्ट यू। वो सब बातें पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार की रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लागू होनी शुरू की है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसको खुले मन से और पूरी आज़ादी के साथ लागू कर पाएंगे बिना किसी बाधाओं के। और तीसरा जो मैंने कहा कि डेवलपमेंट बाय एक्सप्लोरिंग द अनडेवलप्ड सेक्टर्स, हमारे पास वो सरमाए थे जो ना कभी तराशे गए ना तलाशे गए। हमारी तवज्जो वेस्टर्न स्टेट्स पर रही और वही हमारी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने रहे हिंदुस्तान की, लेकिन जो हमारे पास इनहेरेंट सरमाए थे, द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉर एग्जाम्पल अरोमा रिसोर्सेज, हिमालयन रिसोर्सेज विच इज़ एक्सक्लूसिव टू जम्मू एंड कश्मीर, उसको मोदी जी के आने के बाद तराशने का काम किया है। और आपने देखा कि देखते ही देखते जम्मू कश्मीर हैज़ गिवन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप इन द फॉर्म ऑफ लेवेंडर स्टार्टअप। 3-4 हज़ार युवा हमारे उससे जुड़ गया है, एक विकास का भी नया आयाम आया है, रोजगार का भी और स्टार्टअप का भी। आज देश स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़ा है। 2014 में हम 350-400 थे, आज हम लगभग 2.25 लाख हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि एक वैश्विक मापदंड है, उसमें 81 नंबर पर थे, 10 वर्षों में हम 41 की उड़ान करके 40 पर पहुंच गए। 2014 में जब ये सरकार आई तो हमें कहा जाता था फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज, जो सबसे बिगड़ी हुई इकोनॉमीज उनमें, आज वी आर टॉप 5, और जैसा हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में चौथी होगी और फिर तीसरी होगी, और उसमें योगदान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है थ्रू दीज रिसोर्सेज विच हैव नेवर बीन एक्सप्लोर्ड, विच नेवर फाउंड अ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार हमारा दूसरा वाटर रिसोर्सेज, शायद आपके ध्यान में आया हो कि ना आया हो, जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो तीनों बड़ी नदियाँ हैं जो जब इंडो पाक संधि हुई है वाटर ट्रीटी 1960 में, तो तीन दरिया बांटे गए। जो पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया है, वो तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरते हैं, चाहे वो झेलम है, चाहे वो चनाब है, और चाहे सिंधु जो लद्दाख से होकर गुजरी। और जो हमारे हिस्से में दरिया थे रावी, सतलुज और व्यास, उसका भी प्रमुख हिस्सा हमारे, लेकिन उसको कभी नहीं एक्सप्लोर किया गया। यहाँ पर के यहाँ तक के रावी का जो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था उसको 40 साल ठंडे बस्ते में रखा गया, मोदी जी के आने के बाद अब वो काम शुरू हुआ है। अब कंडी का इलाका कंडी ना कहलाएगा, सिंचाई भी होगी, बिजली की पैदावार भी होगी। चनाब के सरमाए अब एक्सप्लोर होने लगे मोदी जी के आने बाद, 5-5, 6-6
पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में लग गए, चाहे पक्कल डूल है, चाहे करा कीरू है, चाहे करवाया, और स्मॉल टाउन ऑफ किश्तवाड़ इज गोइंग टू बी दी पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। बल्कि पिछली सरकारों ने तो यहाँ के रोक के भी रखे थे, रेटले प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारे सरमाए थे उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो हमारे काम हो सकते थे उनको भी रोका गया। और अगर इसी तरह से इफ़ वी मूव ऑन और हमारी माइंडसेट भी उसी तरह से बन गया, एज ए वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स आल्सो ओवर लुकिंग एट अस, सो व्हेन वी आर नाउ अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, वी कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट व्हेन वी हैव अ बीजेपी गवर्नमेंट हियर विद ऑल्सो द पेट्रनेज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, दिस डबल इंजन इज होल्ड्स द प्रॉमिस टू एंश्योर that Jammu and Kashmir will play a leading role in the future growth story of India, and vision Jammu Kashmir 2047 will be an essential component of vision India 2047. Dhanyawad. Any questions, please? Ek minute. Isi vishay par. Dusra vishay nahi. Koi aaj ka vishay press ka yahi tha. To nivedan isi vishay par rakhe to achhi baat hai. इसी विषय पर ये मैंने सारे गिनवा दिए, और बल्कि मोटे तौर पर तीन, ये सारे जो मैंने बनाए वही हैं, अगर आप इसको जरा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वही है, तीन प्रमुख जो मैंने बताए, क्योंकि हम मुख्य धारा का पूरी तरह से हिस्सा ना बन पाए थे, और इस तरह से बहुत सारे जो अच्छे प्रावधान, जो अच्छे तजुर्बे, जो अच्छे प्रयोग देश भर में किए गए थे या नहीं किए गए, जो अच्छे रिफॉर्म्स वहाँ लाए गए थे या नहीं लाए गए, वो लाने शुरू हुए, और हमारे रिसोर्सेज को कभी तरह पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, और जब किया गया तो हमारे पास इतने अपार रिसोर्सेज हैं। अभी जैसे ये पर्पल रेवोल्यूशन और लेवेंडर की बात हुई है, अब इसका अनुसरण उत्तराखंड में हो रहा है, इसका अनुसरण हिमाचल में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, और वहाँ हम गुलमर्ग और भद्रवाह से शुरू हुए थे, और हम डुड्डू की तरफ और बिलावर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू गिव अ क्वांटम जंप। इसी प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का हम हिस्सा ना थे, अब हम उसका भी हिस्सा बन गए। दी फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट टीचिंग एंड दिस, आई मीन दिस इज इन्फॉर्मेशन विच डजंट फाइंड मच कवर इन द न्यूज़, दी फर्स्ट एवर टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया आफ्टर ट्रिवेंडम वॉज सेट अप इन जम्मू अबाउट 4 years back, एंड हमने इसका नाम रखा सतीश धवन स्पेस सेंटर, क्योंकि सतीश धवन जम्मू कश्मीर के वासी थे और जम्मू कश्मीर में इस बात की जानकारी नहीं थी। तो हमने कोशिश की है कि हम जब जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनाएंगे, मानसिक स्तर पर भी और अलग अलग भिन्न भिन्न सेक्टर्स को लेकर के भी, तो ऑब्वियसली वी विल बी अ कंट्रीब्यूटर टू दैट ग्रोथ स्टोरी। जी कोई किसी और का क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट? अपोजिशन, देखिए आपने हमको भी समझाना है और अपोजिशन को भी समझाना है, क्योंकि आज युग है तर्क, तथ्य और तुलना, एविडेंस बेस्ड। अपोजिशन को आप ये कहिए कि जब उनका मन किया शाम को यकायक उठे बिना टूर प्रोग्राम के, बिना बताए हुए आदूद में जाकर के कबाब खाने का मूड किया, तो जा पाए कि नहीं जा पाए? जब मन किया उठ करके लाल चौक पर जाके आइसक्रीम खाई। इन्हीं अपोजिशन की जब सरकार थी, कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, यहाँ पर भी गठबंधन में, तब ये साहस नहीं करते थे अपने कमरे से बाहर निकलने का। आज अगर खुली हवा में घूम रहे हैं और जब मर्जी करे उठ करके ऑन दी स्पर ऑफ मोमेंट जा रहे हैं, तो हमने तो इनके लिए भी आज़ाद फिजा पैदा की। और दूसरा, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ दी नॉर्मलसी एंड पीस हैविंग रिटर्न्ड पर्टिकुलर इन द कश्मीर वैली इज द टूरिस्ट फ्लो। जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आता है तो वो आपके कहने से नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, सरकार के कहने से नहीं आएगा, मीडिया के कहने से नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छुट्टी के लिए ले जाने का की योजना बनाता है तो अपने सूत्रों से पता करेगा, किसी अपने कुलीग से पूछेगा, अपने दोस्त यार से पूछेगा, कोई अपना परिचित वहाँ पर काम कर रहा है उसे पूछेगा कि भाई साहब मैं इस तरह से बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ, वातावरण सुरक्षित है कि नहीं है, और जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तब जाएगा। तो ये आई थिंक हमारा और आपका सबका ये दायित्व है कि वी गो बाई द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मैंने कह दिया आप मान लें, मैं ये भी नहीं चाहूँगा, वो कह दें आप मान लें, वो भी इंसाफ नहीं होगा। कल
ऐसा है वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पर आजकल अध्ययन की कमी हो गई है, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, हमारे स्तर पर भी और आपके स्तर पर भी. देर इज ऑलरेडी अ स्टैंडिंग फार्मूला कॉल गार्डगिल फार्मूला, और गार्डगिल फार्मूला ये कहता है कि अगर आपकी बिजली की जितनी पैदावार जिस स्टेट में होती है 50% उस स्टेट का हिस्सा होता है, 35% नेबरिंग स्टेट्स का और 15% सेंट्रल ग्रिड का. हम गायबाना बयान छोड़ देते हैं, बयान छप जाता है, उधर से जवाब भी आ जाता है. सो दिस इज नथिंग न्यू. और ये भी जब मैंने कहा कि जब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू कश्मीर होगी तो जम्मू कश्मीर उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा, तो ये जो प्रावधान देश भर में लागू है यहाँ पर भी पूरी लेटर एंड स्पिरिट में लागू होंगे. शायद पिछली सरकारों ने 370 की आड़ में ये जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के इस प्रकार के प्रावधान थे उनको लागू नहीं होने दिया, क्योंकि 370 मैंने तो जैसे उस दिन भी कहा वॉज एक्सप्लॉयटेड एंड अब्यूज मोस्ट बाई दोज हु वर इट्स प्रोटैगनिस्ट. अब आप छोटी सी मुझे मिसाल दीजिए, और शायद आपको भी याद ना होगा क्योंकि पीढ़ी बदल गई राजनीतिकों की और पीढ़ी बदल गई पत्रकारों की भी. 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो 42 और 43 अमेंडमेंट आता है जिसके तहत एम्बलम बदलता है, जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा का अवधिकाल 5 साल से 6 साल कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव कराना अनुकूल नहीं रहेगा. कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हर जगह, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे, तुरंत उसको अपना लिया गया. विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया, ठीक है साहब. 3 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, मुरारजी भाई देसाई वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, 45-46 में अमेंडमेंट ला के उसको रिवर्स किया जाता है और देश भर की सारी विधानसभाओं और लोकसभाओं का अधिकाल पुनः 5 वर्ष किया जाता है. लेकिन यहाँ कहा कि नहीं साहब 370 हम नहीं लेंगे, यानी जब सूट करता था तब 370 भूल गए, जब उसको वापस करना था. और 5-6 अगस्त 2019 तक जब तक 370 था उसके बाद विधानसभा अब जो चुनाव हो रहा है ये 5 साल के लिए हो रहा है, ये 6 साल के लिए नहीं हो रहा. ये हमारे ध्यान में शायद ये बात हो, अभी तक जो चुनाव होते रहे वो 6 साल के लिए होते रहे और यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकारें थी वो 370 की आड़ में उसको रोके हुए थी. तो कहने का तात्पर्य ये कि ये सारे प्रावधान जो जनहित के लिए थे उनको रोका गया था. 73-74 अमेंडमेंट की जैसे बात हुई, नहीं लगाने से जो राशि आती थी केंद्र से वो प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास जाती थी, जो अन्यथा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जानी चाहिए थी. और यही राशि अब जाती तो इसमें किसी की शनाख्त या किसी की आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन वहाँ पर और ये प्रावधान लाया कौन था? 73-74 अमेंडमेंट कांग्रेस सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय में आई थी, उन्हीं की सरकार यहाँ गठबंधन ने रोक के रखा. तो ये सारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट था जो ऑपरेट कर रहा था, और वही वेस्टेड इंटरेस्ट जिम्मेवार है वो 10% वोटिंग के लिए भी. जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे हम मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे तो हमारी ग्रोथ स्टोरी शुरू होगी और हमारे पास इतना सरमाया, और हमारा यूथ इज़ वेरी एस्पिरेशनल. जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत ही आकांक्षी है, बट ही हैड गिवन अप समवेयर. तो वो भी जब उभर के सामने आएगा तो वी विल बी अ प्राउड पार्टिसिपेंट इन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. चलो नहीं, वो तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही है, एक समय आएगा कि वहाँ पर वैसे ही. वो तो इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये तो कानूनी जो कानून कहता है उसके मुताबिक दी लॉ एंड मशीनरी विल टेक अ कॉल. लेकिन चुनाव के समय बहुत सारी ऐसे, मैंने कल भी कहा था, दी ऑपोजिशन इज स्टिल ट्राइंग दी ट्रिक्स ऑफ दी लास्ट इलेक्शन बट दी वोटर हैज मूव्ड ऑन. अब बहुत सारे नाराबाजी से जो खासतौर से हमारा युवा वोटर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर और प्रभावित भी नहीं होता. ही गोज़ बाई दी एविडेंस एंड ही वॉन्ट्स टू बी दी पार्ट ऑफ दी डेवलपमेंट जर्नी, द ग्रोथ जर्नी लेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी. बाकी हाँ, जो देशद्रोह के नारे हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है वो तो यहाँ की सरकार उसका संज्ञान लेगी. सबसे पहली बात तो ये कि ये अब मुद्दा ही खत्म हो गया. लेकिन अभी मैनिफेस्टो में सर प्रमोट किया जा रहा है, वो कोशिश है. मैंने जैसे कहा ना, दे आर ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन. लेकिन कश्मीर का जो घाटी का आम आवाम है जिसको वो शायद अपील करना चाह रहे हैं वो भी इस बात से प्रभावित नहीं होता. ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन. 3 पीढ़ियाँ गुजर गई, 30 साल गुजर गए. And the youth of Kashmir does not wish to miss the bus. वो देख रहा है कि किस तरह से अनेकों अफसर
मोदी जी के आने के बाद देश भर में उपलब्ध हुए हैं, वो अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहता और ये सारी उसके लिए बाधाएं हैं। जानकारी पूरी होने पर 4 बजे आपसे उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर कई आखिरी है, ये इनका आखिरी है। नहीं नहीं, बीजेपी वो सब करेगी जिसमें प्रदेश का हित हो, जनता का हित हो। ठीक है, थैंक यू। क्या क्या भाई? आपका आखिरी। समीर जी, सर वो करप्शन का मामला है, वो एसीबी ने जो डॉक्यूमेंट ईडी को दिए थे, ईडी ने उसके आधार पर कार्रवाई की है और अब उनका जवाब उनको देना है कि वो अब वो कोर्ट गए थे, कोर्ट से उनको बेल मिली हुई है पिछले वाले मामले में, अब वो कोर्ट से बेल पर हैं। अगर एग्जांपल दूं मनीष सिसोदिया साहब का, वो कोर्ट से बेल पर हैं इस बात पे कि 30 लाख का मुचलका भरा है उन्होंने, हफ्ते में 2 बार हवलदार के सामने हाजिरी लगानी पड़ती है वहाँ पर और उनके पासपोर्ट जब्त कर। नहीं, आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा वो कोर्ट में कोर्ट जाएं और वो जो कहते हैं कि अगर हम उनके ऊपर कुठाराघात करें तो कोर्ट के फैसले, मैंने बता दिया आपको, ये जो मैंने कंडीशन बताई ये कोई नॉर्मल कंडीशंस हैं। और उससे ये भी कह रखा है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन कभी बंद नहीं करेंगे और उस पर डेटा बंद नहीं करेंगे, जैसे हथकड़ी लगी होती है ना 24 घंटे की, वो हथकड़ी भी लगी हुई है। धन्यवाद।